नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं टीवी 9 न्यूज़कास्ट और आपके साथ इस वक्त मैं हूं संजीव चौहान। न्यूज़कास्ट के इस कड़ी में जरायम की दुनिया की एक और हैरतअंगेज कहानी लेकर। स्पेशल टास्क फोर्स, वही एसटीएफ जिसके जन्मदाता थे हिंदुस्तान के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और पूर्व आईपीएस अजय राशर, वही एसटीएफ जिसने एक ही फार्मूले पर अब तक अपनी तमाम उम्र काट और गुजार ली। समाज में शांति के रोड़ों को पहले रोको, फिर टोको और फिर ठोको। वही एसटीएफ जिसमें दाखिले या भर्ती के वास्ते यूपी पुलिस महकमे ने कभी कोई वैकेंसी नहीं निकाली, जिस सिपाही हवलदार दारोगा थानेदार या फिर पुलिस अफसर को दुश्मन के बदन में सरकारी गोली और गोला बारूद भरने का चस्का लगा होता वो खुद के पांवों पर चलकर एसटीएफ की देहरी पहुंच जाता। वही एसटीएफ समाज के दुश्मनों ने जिसे 1990 के दशक में कोड नाम दिया था, आम इंसान के खास दुश्मनों का अपना कब्रिस्तान। अगर मैं कहूं कि ऐसी अनोखी एसटीएफ भी जिंदगी में हार कर एक बार मुंह देख चुकी है तो आपको हैरत होगी। हार ही क्यों, एक रात में ही हार और जीत दोनों का सुख दुख भोग चुकी है। एसटीएफ की बेजहार की एक कहानी है, अब से करीब 14 साल पुरानी यानी सन 2007 की। किस्सा है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट बांदा जिले के सीमावर्ती थाना मानिकपुर और फतेहगंज क्षेत्रों की, वो बियाबान जंगल जिसमें दिन के वक्त भी कभी घने दरखतों के साए ने सूरज को झांकने तक का मौका मयसर नहीं होने दिया। तारीख थी 22 जुलाई 2007 और वक्त आधी रात के बाद का यानी तड़के करीब 2 से 4 बजे के बीच। उन दिनों यूपी पुलिस के महानिदेशक हुआ करते थे 1974 बैच के आईपीएस, खुद दबंग पुलिसिया शार्प शूटर और हिंदुस्तान की किसी राज्य पुलिस की एसटीएफ के पहले इंस्पेक्टर जनरल विक्रम सिंह। सूबे की मुख्यमंत्री थी मायावती। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी थी आज की यूपी पुलिस की एसटीएफ के मुखिया और 1996 बैच के अचूक निशानेबाज आईपीएस अमिताभ यश। यूपी एसटीएफ ने मानिकपुर थाना इलाके के दुर्गम जंगलों में उस रात तब के सबसे खूंखार और हिंदुस्तान के मुंह मांगे इनामी शिव कुमार पटेल और ददुआ को घेर लिया। उस काली रात में घंटों चली खूनी मुठभेड़ में सिर पर 200 से ज्यादा अपहरण, 160 से ज्यादा कत्ल का 30 साल से बोझ ढो रहे खूंखार ददुआ के बदन में सरकारी गोला बारूद गोलियों का बेतहाशा वजन एसटीएफ के कमांडोज ने ठूस ठूस कर भर दिया था। कई दिन की हाड़तोड़, मशक्कत और घंटों की खूनी मुठभेड़ के बाद पुलिस और एसटीएफ के बहादुरों को पानी पीने और सांस लेने तक की फुर्सत नसीब नहीं हुई, क्योंकि जिंदा ददुआ से ज्यादा पुलिस के गोला बारूद से भरी ददुआ की लाश जंगल से अलग कहीं सुरक्षित जगह ले जाने का संकट जो सिर पर मंडरा रहा था। आप याद करें 2007 में ददुआ ठोकिया का एनकाउंटर चित्रकूट में हुआ था। ददुआ मारा गया था। जब ददुआ मारा गया था तो ये डकैत का ये साम्राज्य था, आपराधिक साम्राज्य, जिसको चाहता था धोती नमेले की सीट पे और एक सांसद की सीट पे निकलवा देता था। और लोग बताते थे कि सन 77 से क्रियाशील था, सन 77 से 2007 तक अगर आप देखें कितने साल तक उसका आपराधिक साम्राज्य चला। उसकी जब मुठभेड़ हुई तो तभी मैंने कहा था कि देखिए, मान के चलिए कि यहाँ पर एक सामाजिक कल और अंडरवर्ल्ड में अपराध जगत में प्रतिशोध होके रहेगा। आप ऐसा करें, ये 3 बजे का समय है, जो भी लाश है आप लेकर के तुरंत यहाँ से चले जाइए और ये सुनिश्चित कीजिए कि यहाँ पर आप दिखाई ना पड़े। यह तो थी यूपी एसटीएफ की उस रात की स्वर्णिम कहानी और अब सुनिए उसी एसटीएफ की हार की जिंदगी भर ना भूलने वाली कहानी। वो कहानी जिसमें लोहे पत्थर से बने समझे जाने वाले यूपी एसटीएफ के कमांडोज को ददुआ के खास और खूनी दरिंदे अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया ने घेर लिया। किसी गांव की गली में कंचे खेलते हुए मासूम बच्चों की मानिंद जगह थी बघोलन का टीला, बघोलन बारी वन यानी जंगल चौकी के पास पहाड़ी पर मौजूद एक बेहद खतरनाक मोड़। और फिर वही हुआ जिससे एसटीएफ के अफसर और कमांडोज आखिरी वक्त तक बेखबर और शुरू से ही डाकू ठोकिया खबरदार था। उस काली रात बियाबान जंगल में रूठी जिंदगी ने एसटीएफ के 6 बहादुर कमांडो उमाशंकर यादव, ईश्वर देव सिंह, लक्ष्मण प्रसाद, गिरीश चंद्र नागर, ब्रजेश यादव और राजेश चौहान अकाल मौत की गोद में जबरन धक्का दिए और हिंदुस्तान के किसी राज्य की पहली पुलिस एसटीएफ के माथे पर लग गया कलंक का कभी न मिटने वाली
हार कहिए या फिर बदनामी का वो काला दाग जिसका जिक्र आज 14 साल बाद मैं आपसे यहाँ कर रहा हूँ, ये बताने के लिए कि 25 साल की अपनी सुनहरी जिंदगी में उस एक ही काली रात में कैसे बेजोड़ यूपीएससी अपने चखा था हार का दंश और जीत की खुशी का स्वाद। अमूमन खाकी अपनी हार या कमियों का ठीकरा फोड़ने के लिए गैरों की गर्दन या सिर तलाशती है। इस हार की रात यूपी के पुलिस महानिदेशक रहे विक्रम सिंह मगर ऐसे अफसरों की भीड़ से अलग ही कुव्वत रखते हैं। मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप खुद ही सुनिए कि कल का ये दबंग पुलिसिया निशानेबाज आज किस कदर बेबाकी से यूपी एसटीएफ की उस पराजय को खुद के निजी हार सहज स्वीकार करने में कतई असहज नजर नहीं आता। शायद गलतफहमी में से जो भी कारण था विलंब किया और रात को जब एसटीएफ की टीम वापस आ रही थी तो ठोकिया ने एम्बुश करके हमारे चार कमांडोज को शहीद कर दिया, जो कि हम बिल्कुल अवॉइड कर सकते थे क्योंकि त्रुटि हमारी थी। मेरे कहने के बावजूद अगर उन्होंने उसको वैक्यूएट नहीं किया तो त्रुटि हमारी तरफ से थी, मैं अपनी त्रुटि मानता हूं। तो दोस्तों अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत और कीजिए न्यूज़कास्ट टीवी 9 में ऐसी ही बिना काट छांट के किसी और सनसनीखेज कहानी का इंतजार। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।